Hare Krishna. So this brings us to the 36th verse of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. पिछले तीन श्लोकों में हमने धृति या डिटर्मिनेशन को देखा जो कि सत्व रजस और तमस से अभिभूत हो सकती है. आज से तीन श्लोकों में भगवान हमें सुख के बारे में बताएंगे, सात्विक राजसिक और तामस सुख. सो कृष्णा सेज इन द 36th वर्स, सुखम त्विदानि त्रिविधम श्रुणु मे भरत ऋषभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति. ओ बेस्ट ऑफ द भरतास, नाउ प्लीज हियर फ्रॉम मी अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes come to the end of all miseries. Sukh kya hai? Sukh arthat jahan par dukh ki anubhuti nahi hai. Is bhautik jagat mein hum sukh ki kalpana yahi de sakte hain. Sukh means jahan par dukh nahi hai. Simple. When one is at zero, at least he is not at negative. Anand means one goes towards negative. Then there is no more coming back towards negative. So anand means positive, sukha means zero, and dukha means negative. So sukham arthat jahan tak wo prakriti ke teen gunon se sambandhit hai, wo actual anand prapt kar hi nahi sakta. Actual anand keval adhyatma mein hai, aur adhyatma ye teeno gunon se upar hai. Isliye bhagwan yahan kehte hain सुखम तु इदानी त्रिविधम. तो सुख जो है विच मीन्स दुख का अभाव एक व्यक्ति के जीवन में, वो कैसे हो सकता है? वो भी तीन भागों में हो सकता है, सात्विक राजसी और तामसी. अभ्यासाद रमते, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बाय डिफॉल्ट जीवन में दुख होगा क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा है यस कि ये जीवन कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम. By default, the default setting of this material world is to give you misery. But if you want to experience sukha, then abhyasa dramate. Jis condition mein ho, usme sukha prapt karne ka abhyas karna hoga. Aap dekhiye, ek vyakti jo bade bangle mein rehne ka adi hai, usse hum kisi dharavi ki jhoparpatti mein bhej denge, usse kitna bura lagega? Yes. लेकिन जो धारावी की झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है वो तो अपने घर के ऊपर एक डिश एंटीना लग गया तो भी उसको लगता है वाह यार मैं तो अमीर बन गया. यस, सो अभ्यासाद रमते. हम देखते हैं जब किसी भी चीज में, लाइफ इज ऑलवेज ट्रांजिटरी. हम छोटे हैं हमें कुछ सुरबुद्ध नहीं होती, बड़े होते जाते हैं हमें लगता है यार ये माँ पिताजी हमेशा मेरे पीछे पड़ते हैं, पढ़ाई करो, खुद तो टीवी देखते रहते हैं, मैं कब बढ़ाऊंगा. मैं जब बड़ा हो जाता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये बच्चे कितने अच्छे हैं, वो उनको कुछ टेंशन ही नहीं है, ईएमआई का टेंशन नहीं है, घर का टेंशन नहीं है, बीवी बच्चों का टेंशन नहीं है, ऑफिस में जा करके बॉस की गाली खाओ, अपने से सबॉर्डिनेट्स के ताने सुनो, वो पीछे हमारे हंसेंगे, ये सब देखो काम करो, और रिलेटिव्स के ये देखो इसका उसका हो गया, घर के लिए ईएमआई चल रहा है, गाड़ी के लिए ईएमआई चल रहा है, ये सब टेंशन बच्चों को नहीं है, बच्चे कितने अच्छे हैं. सो हम बड़े होते रहते हैं तो हमें छोटापन अच्छा लगता है, हम छोटे होते हैं हमें बड़े होना अच्छा लगता है. सो कहने का तात्पर्य है इन दिस मटीरियल वर्ल्ड ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो जहां पर जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है वहां पर अभ्यासाद रमते, अभ्यास से अगर वो वहां पर अपने दुख से ऊपर आने का प्रयास करे तब उसे सुख प्राप्त होगा. तो सुख मीन्स अपने आप नहीं आएगा, वो उसे एक परिस्थिति में आनंद या सुख लेने के लिए इट इज लाइक ही हैव टू रियली वर्क बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ डज नॉट गो थ्रू द वे आई वॉन्ट इट. यत्र दुखांतम च निगच्छति, अगर अपने जीवन में वो कभी भी सुखों के साथ में या परिस्थिति के साथ में तालमेल बिठाना सीख ले, अभ्यासाद रमण, यस, He tries to find ways to be peaceful with oneself. ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति है तो काम खत्म है, तब उसे सुख प्राप्त होगा. ये सुख भी सत्व रजस और तमस में होता है. ये कैसे होगा ये हम देखेंगे कल के श्लोक से. तब तक के लिए हरे कृष्ण.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम